कंडक्शन इज टाइप बच्चा, टाइप्स ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बहुत सारे मैम। थर्मल चैप्टर, यस दिस इज थर्मल ओनली। थर्मल का एक और चैप्टर क्लास होगा एंड देन थर्मल चैप्टर विल एंड। ओके सो दिस इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ओनली। सो हीट ट्रांसफर का मेन कंडीशन है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर होगा तभी हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओके बच्चा लोग, यस मैम। ओके तो आज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं कर पाएंगे हम। तीन तरह के हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मैम, कैलोरी मीटर करा दिया। कैलोरी मीटर हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, वही तो कैलोरी मीटर है बच्चा। ये फर्स्ट क्लास है क्या चैप्टर की? नो बच्चा, दिस इज फिफ्थ क्लास ऑफ दिस चैप्टर। ओके तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सी क्यू इज इक्वल्स टू हीट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एम सी डेल्टा टी, राइट? यस मैम, एम सी डेल्टा टी। मेंबर आपकी स्लाइड क्या है क्या बच्चा? एक ये हम यूज करते हैं जब टेम्परेचर राइज या इंक्रीज या डिक्रीज करता है। एक और होता है क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, ये जब होता है जब स्टेट चेंज करता है तब होता है, ठीक है। ओके और फिर अभी डाउट आया है आजाद की तरफ से कि लिक्विड में क्या होता है, तो लिक्विड में डेंसिटी चेंज करती है। आप जानते हो डेंसिटी मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी वॉल्यूम, है ना। तो अब बताओ अगर हीट करोगे किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, आपने पढ़ा है वॉल्यूम फॉर्मूला। वी न्यू का फॉर्मूला क्या, वी वन प्लस गामा डेल्टा टी, है ना। उसी तरह डेंसिटी न्यू क्या होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी न्यू का फॉर्मूला क्या आता है, वन प्लस ना होके वहां पे वन माइनस आ जाता है। इनिशियल डेंसिटी वन माइनस गामा डेल्टा, ठीक है। यही बस था लिक्विड के एक्सपेंशन में। ओके अगर आप इसको बोलोगे अगर डेल्टा रो कैलकुलेट करो चेंज इन डेंसिटी, तो माइनस रो गामा डेल्टा टी आता था। आई थिंक ये आप लोग को याद, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह आप लोग को याद भी है, अल्फा बीटा गामा, राइट? अल्फा इज फॉर लीनियर, बीटा इज फॉर एरियल एंड गामा इज फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा पीछे का क्लास में हमने डिस्कस किया था, स्टेट का प्रॉब्लम किया था, ठीक है। स्टेट चेंज की वजह से जो जो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन हमने डिस्कस किया था, है ना। हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम ने डिस्कस किए थे। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का तीन तरीका है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। बता सकते हो आप लोग कौन कौन सा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वो तो सब में होगा ना। ये एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। कन्वेक्शन का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, बट कंडक्शन का न्यूमेरिकल भी करेंगे और रेडिएशन का भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का इंट्रो तो हो जाएगा, दैट आई एम श्योर, ठीक है। तो कंडक्शन होता क्या है, आपको पता है कंडक्शन सॉलिड में होता है, है ना। और अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो किस में होगा बताओ? मेटल में होगा, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, हाई टू लो। यस यस। और उसके लिए एक और कंडीशन क्या चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दो एंड के बीच में। अगर हीट, जैसे ये हमने एक सिलेंडर मान लिया, एक सॉलिड सिलेंडर अज्यूम कर लिया, इस सिलेंडर के आप मान लो कि एक एंड का टेम्परेचर है टी वन और दूसरे एंड का टेम्परेचर है टी टू, तो अगर टी वन बड़ा हुआ टी टू से तभी क्या इसमें हीट फ्लो करेगा क्या? कैन आई से इफ टी वन इज ग्रेटर देन टी टू तभी हीट फ्लो होगा कि नहीं, तभी हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं? यस मैम, यस यस सर। तो कंडीशन पूछा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हीट ट्रांसफर, व्हाट यू विल से, आप क्या बताओगे? टेम्परेचर डिफरेंस। हीट फ्लो होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रिक्वायरमेंट है आपको? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। आप मान लो
क्या हो गया प्रियंका, कुछ पूछ रहे हो बच्चा? आप मान लो कि जो आपका फर्स्ट एंड है वो हायर टेम्परेचर पे, राइट, फर्स्ट एंड जो है हाई टेम्परेचर पे है, तो उससे जो मॉलिक्यूल कॉन्टेक्ट में होगा उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा क्या? Yes, ma'am. मैं बता रही हूँ प्रियंका, दैट इज ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है और कंडक्शन है क्या. तो आप बताओ जो एंड T1 के कॉन्टेक्ट में, T1 हायर टेम्परेचर है, जो एंड T1 के कॉन्टेक्ट में है, कैन आई सी दिस कि ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब ये वाइब्रेट करेगा ये अपना एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा ये अपना एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, एक दूसरे से वाइब्रेशन कोलाइड करके अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ हीट ट्रांसफर होगा क्या? सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके हीट ट्रांसफर करेंगे? यस मैम. दिस इज द वे हीट ट्रांसफर होता है इन कंडक्शन. तो आप बोल सकते हो यू कैन डिफाइन कंडक्शन एज व्हाट, इट इज अ वे ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू मॉलिक्यूलर, कैसे होगा बताओ, मॉलिक्यूलर कोलिजन से होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन बोल सकते हैं ऐसा हम लोग? यस मैम. यस, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन कि ये एनर्जी हीट ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल के कोलिजन से. अच्छा ये बताओ, इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब बहुत बेसिक चीज है कि इसमें क्या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं क्या एक जगह से दूसरे जगह? Yes, ma'am. वाइब्रेट करता है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करता है. क्या मूव करता है? हीट मूव करता है या एनर्जी मूव करता है आपका, राइट? मैटर अपने जगह पर है, मैटर इज नॉट मूविंग. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम. चलिए, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. तो ये आपका बेसिक था कंडक्शन के बारे में. आगे डिटेल में पढ़ते हैं थर्मल कंडक्शन को और डिटेल में, ठीक है? ये बेसिक था. थोड़ी एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे मतलब हम वाइब्रेट में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. अब ऑब्वियसली एनर्जी है क्या? हीट. यहाँ पे हम लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. हीट मतलब वो उसके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल मूव करेगा फास्टर, वो आगे वाले को पुश करेगा, उसके वो अपने नेक्स्ट वाले को पुश करेगा, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर करेगा कि नहीं? ओके मैम. तो वही उसी तरह से हीट ट्रांसफर होता है, ये मॉलिक्यूलर कोलिजन से हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है? चलिए आगे थोड़ा समझते और डिटेल में. जो हीट ट्रांसफर होता है वो और किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मान लो आपके पास एक रॉड है, यू हैव अ रॉड, लेट्स से यू हैव अ रॉड, ठीक है? ये रॉड का आप एरिया मान लो ए है, ठीक है, और इसका आप लेंथ एल मान लो, एंड का टेम्परेचर टी वन टी टू मान सकते हो दोनों एंड का, और आप क्या, अगर उसमें हीट ट्रांसफर होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए टेम्परेचर का? डिफरेंट. तो आप बोल दो क्या टी वन ग्रेटर देन टी टू, लिख सकती हूँ मैं ऐसा, टी वन ग्रेटर देन टी टू, ठीक है? अब जो इसमें हीट ट्रांसफर होगा मुझे बता सकती हूँ वो हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस. यस, कैन आई से दैट हीट ट्रांसफर विल डिपेंड ऑन टी वन माइनस टी टू? यस मैम. यस, और आप बताओ अगर वो टी वन टी टू पे डिपेंड करेगा, और आप बताओ वो क्या मैं लिख सकती हूँ, कहाँ गया ये? आई थिंक स्क्रीन ब्लैक हो गया क्या आपको? यस मैम. यस मैम. ओके, आई थिंक इट्स फाइन नाउ. या कैन आई से दैट अगर आपके पास एक छोटा सा एरिया हो और एक बड़ा सा एरिया हो, किस में ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा? मैम बड़े में. मैम बड़े में ज्यादा. मैम छोटे में. छोटे में कैसे ज्यादा होगा? बड़ा एरिया मतलब ज्यादा हीट जाएगा ना अंदर. यस मैम. बिगर इज द एरिया, बिगर विल बी द हीट. सो आई कैन से क्यू इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. Yes, ma'am. और आप जितना देर तक ट्रांसफर करोगे
सो क्यू इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम. हीट जो है जितना देर तक आप हीट ट्रांसफर करोगे उतना देर तक होगा, वो टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं. यस मैम. यस, तो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस पे हो गया, दूसरा आपका एरिया पे हो गया, तीसरा हो गया आपका टाइम पे. ठीक है, और एक बात बताओ, अगर आपके पास रॉड जो है एक छोटा रॉड है, यू हैव अ स्मॉलर रॉड एंड यू हैव अ बिगर रॉड, ठीक है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा हीट ट्रांसफर होने में, छोटे वाले में या बड़े वाले? स्मॉलर में. स्मॉलर वाले में. इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट? स्मॉलर में जल्दी हो जाएगा. मतलब हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना छोटा लेंथ उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर. कैन आई से दिस? है ना? इनवर्सली होगा. यस मैम. सो लेट्स कंबाइन ऑल दी थिंग, ऑल द थिंग्स वी हैव. तो मैं यहां सबको कंबाइन करके लिख रही हूं, देखना. मैं क्यू इज क्यू इक्वल्स टू, यस वानी आई विल रिपीट. देखो क्या बचेगा, एरिया आ जाएगा. क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. टी वन माइनस टी टू इंटू टाइम अपॉन लेंथ. Can I say this, bacha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Time से directly proportional और length के inversely proportional. Inversely. तो अभी इसको मैं solve करूँ तो Q equals to मुझे एक inverse, ये जो directly proportional है या proportional है उसको हटाने के लिए constant K चाहिए होगा मुझे. क्या आएगा? K A T1 minus T2 into time divided by length. किसी को doubt? मैम इसकी जगह हम डेल्टा टी बिल्कुल लिख सकते हैं. लेट्स ट्राई डेल्टा टी आल्सो, आपको वो ज्यादा कन्वीनियंट लिखना. तो के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. क्या बोलते हैं बच्चा लोग हम लोग? थर्मल कंडक्टिविटी. आई विल रिपीट, डोंट वरी. या तो क्या हुआ, मैंने बोला कि जो आपका हीट है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस पे, हीट डिपेंड कर रहा है एरिया पे, हीट डिपेंड कर रहा है टाइम पे, और हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. आई जस्ट कंबाइन ऑल द थिंग, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम एंड लेंथ. इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो क्या मिला? के मिला. बाकी मैंने एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम और लेंथ को लिख दिया. तो ये के है आपका थर्मल कंडक्टिविटी और क्यू क्या है? हीट है. अब रेट ऑफ हीट फ्लो भी डिफाइन कर सकते हैं. देखो मैं एक नया टर्म डिफाइन कर रही हूँ. ये जो टाइम है ना, इसको नीचे लेके जा रही हूँ. तो क्यू बाय टाइम जो है, क्यू को अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे, इसको बोलते हैं हीट फ्लो. क्या बोलते हैं? हीट फ्लो. एच मैं बताती हूँ क्या होता है. जब मेनली हम जो प्रॉब्लम करेंगे अब हमारा हीट फ्लो पे होगा. क्यू बाय टाइम को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो के ए डेल्टा टी लिख देती हूँ. किसी ने बोला मैम डेल्टा टी लिखो ज्यादा अच्छा लगता है. डेल्टा टी अपॉन लेंथ. कैन आई राइट लाइक दिस? मैम डेल्टा टी तो ऐसे टी टू माइनस टी वन होता है ना. हाँ वही लिखा मैंने. तो वही तो यहाँ पे टी वन माइनस टी टू है. डेल्टा टी का मतलब यह टेम्परेचर डिफरेंस. दैट्स इट. आप जो हायर टेम्परेचर है उसको लोअर टेम्परेचर से माइनस कर लो और कुछ नहीं. टी वन टी टू एकदम फिक्स नहीं कि आपको टी वन माइनस टी टू लेना या टी टू माइनस टी वन लेना. ठीक है? यस मैम. क्लियर? यस मैम. यस मैम. तो आपको ये मिलेगा. इसको हम बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एच, हीट फ्लो. क्या बोलते हैं बच्चा? हीट फ्लो एच. या फिर आप इसको बोलोगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. या आप इसको Q by T को आप हीट फ्लो भी बोलो या फिर क्या बोलो? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है? ठीक है? किसी को डाउट यहां तक? मैम आपने ये Q अपॉन में T क्यों लिखा है? मैंने लिखा है यहाँ जो T था ना उसको नीचे लेकर गई. अब जो आपका Q के फॉर्मूले में यहाँ T आया था उसको मैं नीचे लेकर गई. तो क्या आएगा? Q अपॉन T का फॉर्मूला मिलेगा K अपॉन डेल्टा T by L. तो उसको मैंने नया डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी. डेल्टा टी को जो वहां लिखा है ना वो टी वन माइनस टी टू लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को. ठीक है? चलो बच्चे कैन यू सी दिस नाउ? इज इट करेक्ट नाउ मैम? हाँ. केस के जो है वो सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी है और मैम जो इसका फॉर्मूला है ये शो करता है कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है. यस, एच इज हीट. यस, क्यू को आप हीट बोलोगे और एच को बोलोगे रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर. ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका रेट क्या है. ठीक है? आगे करते धीरे धीरे समझ में आएगा. एक बार में नहीं समझ में आएगा, कुछ नया चीज मिल रहा है, डर लग रहा होगा आप लोग को. नया नया चीज ना,
थोड़ा टाइम लो, समझ में आएगा। ठीक है, आगे जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्यू इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला बताओ मैम? के ए डेल्टा टी अपॉन में लेंथ। बताओ के का यूनिट क्या आएगा? मैम डी। वेरी गुड नन, आजाद सेइंग मैम अब सॉल्व ही नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा मैम, डायरेक्ट नन बोल देता है ना, है ना? एटलीस्ट सॉल्व तो करो सब लोग। क्या आएगा देखो, यहाँ से के को मैं क्या लिखूं, अगर के को लेके जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू लेंथ आएगा, क्यू से लेंथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? ए आ रहा है। ओके वेरी गुड, ओके चलिए तो अभी इसको लिखती हूँ मैं, बताओ क्या आएगा। ये आएगा के क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया टी वन माइनस टी टू इंटू टाइम, ये आएगा क्या? चलो क्यू का होता है क्यू का होता है जूल, इसका होता है लेंथ का मीटर, नीचे आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ओके, और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए केल्विन और टाइम के लिए सेकंड। तो मीटर और मीटर ऊपर नीचे एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचलो? तो व्हाट विल बी रिमेनिंग थिंग, केल्विन और सेकंड भी रहेगा इधर। स्क्रीन फिर से स्टक होने लगी। ओके ए तो आ रहा है, पर बहुत सारे बच्चे बी भी बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन करेक्ट है। कैन आई राइट दिस जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड? देखो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट है क्या? चलो यस मैम, यस मैम। चलो अभी एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है एच के फॉर्म में, क्या पढ़ा है? के ए टी टू माइनस टी वन अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ से k का फॉर्मूला क्या आएगा? h इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस t2 माइनस t1 या t1 माइनस t2 जो लिखो। तो h क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो, व्हाट h व्हाट होता है कि नहीं, रेट ऑफ हीट फ्लो, व्हाट इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर पर केल्विन। सो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट पर मीटर पर केल्विन। सो ऑप्शन बी ऑल्सो करेक्ट ना बच्चा, ऑप्शन बी आल्सो करेक्ट आ रहा है। यस मैम, होगा इसका। तो ऑप्शन व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन? सी, सी, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो बी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें लगता है कि ये करेक्ट होगा पर होता कुछ और है। ठीक है, ठीक है ना? तो मैम ऐसे में हमें दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। हाँ अभी देखो धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग है ना, तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे कैसे प्रॉब्लम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। समझ में आ गए यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है क्या आप लोगों को? करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है? नो मैम। करंट याद है? करंट को आई, यस करंट को आई से बताते हैं हम लोग, उसी तरह हीट फ्लो को हम किससे बताते हैं बताओ? एच से। एच दोनों का उसे भी बताते हैं, एच से हीट फ्लो, हीट नहीं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एच बताते हैं ना, क्यू अपॉन टी, दिस इज क्यू अपॉन टी। मेरी एक सेकेंड, क्या हो गया? आई एम नॉट ऑडिबल प्रॉपरली बच्चा लोग। मैम स्क्रीन वॉइस क्लियर है? मैम वॉइस तो क्लियर है। ओके ओके ओके, मैम स्क्रीन रुक रही है आपकी? नहीं अभी स्क्रीन कुछ लिख रही है मैम, सबको बोल दे कि चाप चैट पे आंसर दे दे प्लीज। ओके एवरीवन, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो, ठीक है? मैं अभी कुछ लिख ही नहीं रही हूँ बच्चा, जो लिखा है वही पे। अभी आप बताओ करंट फ्लो होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द करंट फ्लो? कैन आई से दैट द रिक्वायरमेंट इज वोल्टेज डिफरेंस? वोल्टेज, वोल्टेज। अगर आपको एक बैटरी में करंट फ्लो कराना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा कि नहीं, बैटरी लगानी पड़ेगी कि नहीं?
तो आपको करंट के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, बैटरी की, पोटेंशियल ड्रॉप की, वी की रिक्वायरमेंट है ना। उसी तरह से अगर आपको हीट फ्लो कराना है तो किसका रिक्वायरमेंट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस का। फिर राइट आई के लिए मुझे डेल्टा वी चाहिए और हीट फ्लो के डेल्टा टी चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, है ना। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर, वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन आर लिख सकती हूँ मैं। उसी तरह डेल्टा आप बता सकते हो एच, एच इज वेरी एच और आई एकदम सिमिलर है, एच के लिए क्या चाहिए होगा, डेल्टा टी अपॉन आर चाहिए होगा। टी इज मैम आर क्या है, बता रही आर बता रही, रुक अभी आर को ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर। अब एच का फॉर्मूला जो आपको पता है वो लिख लो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच, अभी जस्ट सीखा है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, है ना, वो लिखते चलिए। तो क्या हमने पढ़ा है, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, वही पढ़ा है ना, टाइम वाइम तो इसमें आता नहीं है। तो डेल्टा टी को ऊपर छोड़ के बाकी सबको एच बोल सकते हो क्या, मैं डेल्टा टी को ऊपर छोड़ो, देखो मैं इसको लिख सकती हूँ, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल अपॉन के, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर। तो आर क्या आया, आर क्या आया, एल अपॉन के आया क्या, एल अपॉन के इज आर और नॉट, आर इन केस ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो में कुछ रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। दिस इज अ रेजिस्टेंस इन हीट फ्लो एंड देयर रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, बट दिस रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, सो दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस इन हीट फ्लो, ठीक है। अब आप याद करो, करंट में जब आपने पढ़ा था, अगर दो दो रेजिस्टेंस को ऐसे सीरीज में ज्वाइन करते हो तो आर इक्विवेलेंट, अगर ये R1 है, R1 R2 है, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है बच्चे लोग, R1 plus R2, राइट। और इफ दिस टू रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, अगर इसको मैं पैरेलली कनेक्ट करूं, 1/R1 1/R1 R2, यस, पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ आर इक्विवेलेंट को, R1 1/R1 R2 करेक्ट है, पर उसको फाइनलाइज करके आप लोग लिखते हो R1 R2 divided by R1 plus R2, यस मैम, R1 R2 divided by R1 plus R2, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी 10th में, राइट मैम, यस मैम। तो दीस टू रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। सिमिलरली अगर आपके पास दो अलग अलग रॉड है, ओके, दो अलग अलग रॉड है, आई विल रिपीट दिस, ठीक है एवरीवन, चलो ये पूरा रिपीट करना है विवेक, मैं फर्स्ट वाले से, करंट वाले से रिपीट करना, चलो क्या था, मैंने करंट जो है ना, वो करंट का फ्लो होता है और जो हीट का फ्लो होता है एक दूसरे से काफी सिमिलर होता है। कैसे सिमिलर होता है, आपको करंट फ्लो के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आपको हीट फ्लो के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, है ना। करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, उसी तरह हीट का फॉर्मूला आएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। हमने हीट फ्लो का फॉर्मूला निकाला है के ए डेल्टा टी अपॉन एल, तो डेल्टा टी को रख के बाकी नीचे ले लिया, एल अपॉन के, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका एल अपॉन के, ठीक है। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस। नाउ आई एम टेलिंग कि आपने सीरीज में, ये अपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, बेसिक 10th का बता रही थी कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आएगा, अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आएगा। यहां तक तो सबको पता है ना। अभी आप सोचो कि आपके पास रॉड है, ठीक है, रॉड को आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, दो रॉड है, ठीक है, एक तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना बच्चे लोग, और एक ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो क्या, यस मैम, पैरेलल सीरीज में, parallel, so this is an example, yes ma'am, this is parallel. An example of series combination and this one is an example of parallel combination, ठीक है। अब समझते हैं कि problem कहाँ solve करते हैं और कैसे solve करते हैं, ठीक है। series में resistance का formula क्या होता है,
आर वन प्लस आर टू एंड पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर वन इनटू आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू. ओके, सो दिस इज समथिंग हैपन. अब हम सेम चीज लगाने वाले हैं सीरीज और पैरेलल के केस. ठीक है, पहले सीरीज में लगाते हैं फिर हम पैरेलल में लगाते हैं. देखो आप लोग, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या? आई थिंक स्क्रीन स्टक हो गया आ रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जो R1 आएगा सिंपली R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना. R1 क्या आएगा, अगर लेट्स से इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है और थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? R1 और R2 का वैल्यू डाल के लिख सकती हूँ क्या? R1 की जगह क्या लिख सकती हूँ? L1 अपॉन K1 एरिया, L1 अपॉन K1 एरिया प्लस L2 अपॉन K2 एरिया. कैन आई बच्चे लोग? यस मैम. यस, और ये R इक्विवेलेंट है. R इक्विवेलेंट में मतलब ये एक को हम एक अलग सराउंड मानते हैं जिसका इक्विवेलेंस चाहिए, उसका टोटल लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2. What will be total length? चलो इसको L1 plus L2 आ जाएगा equivalent वाले का, और आपको K equivalent चाहिए into area, तो area ही रहेगा. यहां से आप K equivalent solve कर सकते हो, अगर solve किया तो, ऐसे problem आया तो. Yes ma'am. कर सकते हो ना आप लोग? ठीक है, ये आपका yes, आएगा K equivalent. ऐसे solve करोगे अगर parallel में connect करा है तो हमने R equivalent क्या लिखना पड़ेगा बताओ? R1 R1 plus R2. मैम के क्या है यहाँ पे? के थर्मल कंडक्टिविटी है ना बच्चा. यस मैम. के हीट फ्लो में आर क्या है? आर इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस मतलब हीट फ्लो में आप समझ लो कि अगर हीट फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को भी तो कोई रेजिस्ट कर रहा होगा, कोई रोक रहा होगा, कोई रोक रहा होगा ना. आपने क्या बोला है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी जो आपका आता है, आपको जो हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. आपका रेजिस्टेंस क्या मिला देखो, इसको चेक करियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यू गॉट? यहाँ पे क्या मिला रेजिस्टेंस का? लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू कंडक्टिविटी, यही मिला है ना. आर का वैल्यू क्या मिला? लेंथ डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया. मतलब आर जो है, आपको पता है कि जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर, है ना, जितना बड़ा लेंथ उतना कम हीट ट्रांसफर. तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कंडक्टिविटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? यस मैम. तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो ये एक तरह से हिंड्रेंस है जो कि हीट फ्लो को रोकता है. ठीक है, रेजिस्टेंस का यहाँ पे यही सिंपल मीनिंग होगा. मैम हिंड्रेंस क्या होता है? क्या बच्चा? हिंड्रेंस. हिंड्रेंस का मतलब है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो रुकावट पैदा करे, उसको हम लोग हिंड्रेंस बोलते हैं. तो ये आप बोल सकते हो. अभी प्रॉब्लम करेंगे तो जब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा हमें. ठीक है, ओके, आई थिंक लेट्स डू अ प्रॉब्लम फर्स्ट. ये प्रॉब्लम करें, ये आपको देख के क्या लग रहा है, सीरीज है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल. पैरेलल है. पैरेलल है. तो मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? R1 plus R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2. R1 plus R2, राइट? ओके, एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ R1 एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ R2? जैसे कि आप प्रॉब्लम में दिखाया, लेंथ दिया है D, कंडक्टिविटी दिया है K1 K2. So I can write R1 as what? D upon K1 area. Length D दिया है देखो problem में. Can I write R2 as D upon K2 area? है ना? Yes ma'am. तो R1 R2 वो लिख के मैं उस formula में डाल सकती हूँ क्या? Yes ma'am. डाल सकती हूँ बच्चा लोग उस formula में? Yes ma'am. Yes. Okay. R equivalent के जगह पे R इक्विवेलेंट के जगह पे लेंथ कितना आएगा पूरे कंपोजिट रॉड का?
व्हाट इज द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ दिस कॉम्पोजिट रॉड? एल ही तो रहेगा, लेंथ कहाँ बढ़ रहा है, डी ही रहेगा, सॉरी यस इट इज डी, वेरी गुड वानी, इट विल बी डी ओनली, सो आई कैन राइट डी हियर आर इक्विवेलेंट की जगह पे, और इसकी जगह लिख सकती हूँ के इक्विवेलेंट, ओके, एंड व्हाट विल बी द एरिया बच्चा, टू ए, एरिया कितना होगा, वेरी गुड, इट विल बी टू ए, टू ए, चलो आप आर वन आर टू डाल दो, आर वन कितना है डी अपॉन के वन ए, और आर टू कितना है डी अपॉन के टू ए, आप सब डाल दो, और नीचे भी आर वन प्लस आर टू कर दोगे, और आप देखो आप क्या क्या कैंसिल होगा वो करो, ठीक है, तो डी अपॉन, देखो यहाँ पे मैं इस वाले नीचे में से लिख लेते, चलो के वन ए, अगर आप डी अपॉन के वन ए लिखोगे और डी अपॉन के टू ए लिखोगे, तो कैन यू टेल मी, यू कैन टेक डी अपॉन ए कॉमन यहाँ पे नीचे से, या डी अपॉन ए लिख सकते हैं कॉमन, देखो यहाँ पे डी आ गया, यहाँ आ गया के इक्विवेलेंट इंटू टू एरिया डिवाइडेड बाय, नीचे डी अपॉन ए कॉमन ले लू मैं, मैम एक बार ऊपर वाला स्टेप फिर से समझा दो, हाँ बच्चे समझा रही, समझा रही, डरना मत, बहुत बड़ा दिख रहा लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला आपको, आई एम टेलिंग यू कि आपका फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का क्या है, आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, राइट, आर वन क्या होता है लेंथ डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया, आर टू क्या होता है लेंथ डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया, कंडक्टिविटी के वन के टू है इसलिए आर वन आपका डी अपॉन के वन ए आया, आर टू अपॉन आर टू डी अपॉन के टू आया, डाउट किसी को, नो मैम, अब आर वन का R1 की वैल्यू लिख दी है D upon K1A, R2 की वैल्यू लिख दी है D upon K2A, फिर R1 plus R2, उधर लिख दिया, अब R equivalent, वो भी तो कुछ होगा, क्या होगा, D, उसका, इस पूरे composite का length तो D है, तो D लिख दिया, K equivalent हमको जो चाहिए, thermal conductivity of the composite area आपको चाहिए, और इसका total area और कितना हो जाएगा, देखो, 2A हो जाएगा क्या total area, दोनों combine कर दिया, तो 2A हो जाएगा क्या, दोनों का एरिया सम हो जाएगा तो टोटल एरिया विल बिकम 2a. नाउ अब मैंने क्या किया है, अभी कुछ बार नहीं किया मैंने, यहां से सिर्फ d अपॉन a कॉमन लिया, डाउट किसी को, नो नो मैम, ये रिपीट कर दो, क्या बच्चा, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दो, अभी जस्ट रिपीट तो करा बच्चा मैंने, क्वेश्चन ये था आपके पास, मैम कंफ्यूजिंग है थोड़ा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कोई बात नहीं, आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपके पास दो रॉड है ए और बी, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ जिसको आपने वेल्ड करा है, जैसे दिख रहा है आपको, बताना है एक का कंडक्टिविटी के वन है, दूसरे का कंडक्टिविटी के टू है, आपको उनका थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है कंपोजिट का, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना, मैंने आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू का फॉर्मूला लिखा, उसको पुट ही करा अभी और कुछ नहीं करा, आर वन का होता है लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी इंटू एरिया, इसका भी लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी इंटू एरिया, वो R1 की जगह डाला, R2 की जगह डाला मैंने, उसके बाद R1 प्लस R2 लिखी है, और सिर्फ D अपॉन एरिया कॉमन लिया है अभी, अब देखो मैं यहाँ से एक D और एक D कैंसिल कर सकती हूँ क्या, यस मैम, यहाँ से ये वाला D और D लेंथ है बच्चा, प्रॉब्लम में D ही लेंथ दिया, L नहीं दिया, प्रॉब्लम में D दे दिया है, देखो आप D लिखा है ना वहां पे, यस मैम, तो वह डी लिखा हुआ है, ओके आप डी और डी, सारा डी कैंसिल हो गया, कोई डी बचा है क्या, नहीं बचा है, ओके आप ये वाला एरिया भी कैंसिल कर सकते हो इस वाले एरिया से, कैन यू कैंसिल द एरिया आल्सो बच्चा, यस यस मैम, दिस एरिया एंड दिस एरिया विल आल्सो गेट कैंसिल बिकॉज ये एरिया नीचे ही तो आएगा, तो ये एरिया भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है मैम, के टू ए भी कैंसिल हो जाएगा, के टू भी कैंसिल कैसे होगा, तो वो ये वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू है ना, तो आपको yes, ma'am, क्या मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ना, अभी कर रहे हैं अभी हम लिख रहे हैं, तो आपके पास नीचे आया है के इक्विवेलेंट इनटू टू, सिर्फ यही रिमेनिंग है देखो यहाँ पर, और इधर क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका के वन के टू बचा है, ऊपर के वन के टू बचा है कि नहीं, देखो सिर्फ यस मैम, और नीचे आपको बचा है वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, इसके नीचे तो मैम वन बचेगा ना,
वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू बचा है ना, तो यस मैम, मैं लिख सकती हूँ वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू। किसी को डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलो अभी इसका एलसीएम लो, क्योंकि इसको तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर नहीं सकते। वन बाय के वन वन बाय के टू का एलसीएम कितना आएगा बताओ? इसको सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो क्या आएगा, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू का एलसीएम कितना आएगा बच्चे लोग? के वन के टू, और इसको क्या के टू प्लस के वन लिख सकती हूँ मैं? यस मैम। तो आप नीचे क्या लिख सकते हो बताओ? इसके जगह पे ये टर्म आप लिख सकते हो क्या? यस मैम। देखो वन बाय के इक्विवेलेंट इंटू टू इक्वल्स टू के वन के टू, और उसकी जगह मैं ये टर्म लिख दे रही हूँ, क्या है, के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय के वन के टू। कैंसिल, के वन के टू कैंसिल हो गया, यस और नो? तो आपको क्या आंसर मिला है के इक्विवेलेंट का? वेरी गुड, किसने के बताया? वन प्लस के टू बाय टू, दिस टू इज देयर ना, बाय टू, के वन प्लस के टू बाय टू, यस और नो बचो? के वन प्लस के टू बाय टू आ रहा है सबको? यस मैम। के वन यस मैम। प्लस के टू बाय टू, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है नीट में, नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आप पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करोगे ना, तो के वन प्लस के टू बाय टू ही आता है, ठीक है? ये याद रखना है कैसे आया, मैंने ये ड्राइव करके आपको बताया है, पर दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये मतलब आप चैप्टर पढ़ोगे तब तो याद रहेगा मैम, अच्छा पैरेलल में तो यही आता ही है, ठीक है? यस मैम। के टू है, के टू बच्चा बच्चा लोग देखो अब ये पहले, टू ये कहाँ से आया है नीचे में? टू है ना, यहाँ पे टू एरिया आया था, आपको याद है? यहाँ पे एरिया टू टाइम्स आया था, तो ये टू तो कहीं गया नहीं, तो यस मैम। वो टू इधर आ गया, ठीक है? अच्छा एक काम करो, आप एक काम करो, के वन और के टू का वैल्यू लिख लो, ठीक है? लेट्स से, ओ मैम शिट, लास्ट वाला स्लाइड दिखा देना एक बार जब फाइनल आंसर आया था। यस मैम। दिख गया? इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें भी जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा, न्यूमिनेटर में तो मल्टीप्लाई नहीं होगा मैम। कौन सा डिनोमिनेटर बच्चा? सेकंड स्टेप में ये वन अपॉन के टू इंटू टू जिसमें मैम हाँ ये टू है ना, इसके जो इक्वल्स टू के बाद है वो ऊपर जाके जो डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये कैंसिल हो गया ना दोनों को एक दूसरे से। मैम बट मैथमेटिकली तो हम ऊपर जब जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऐसे। एक सेकंड, हाँ वो एक सेकंड, आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे पास एक सेकंड, हमारा हमारा ये स्क्रीन गायब हो गया। अभी हमारे पास ऊपर क्या था? ऊपर था वन बाय के वन, सब सब कैंसिल हो गया था ना, वन बाय के वन इंटू वन बाय के टू था, राइट? यही था ना ऊपर, यस और नो? बाकी यस सब मैम। ओके ओके, व्हाट एवर यू आर सेइंग इज वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व करा है, बहुत सही आपने बताया। देखो आपको याद होगा मेरा एक वो गलती से सब रब्ड आउट हो गया, आपको बताओ आर वन और आर टू का मल्टीप्लीकेशन था कि नहीं बच्चा? आर वन और आर टू का मल्टीप्लीकेशन था ना ऊपर में, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला में डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू था, यस और नो? तो आर यस वन, मैम। आर यस मैम। आर वन क्या था? डी अपॉन के वन ए था, और आर टू क्या था? डी अपॉन के टू ए था। अब देखो आपका सब कैंसिल हो गया था, क्या बच गया था? के वन के मैम टू ये बचा था, दोबारा लिखना कहाँ से? ये दोबारा लिखना है? मैंने तो पूरा उतार लिया है। कोई बात नहीं, मेरे से गलती से रब हो गया है इसलिए आप मैं वापस लिखना पड़ रहा है। तो ये क्या बचेगा, वन बाय के वन के टू बचेगा कि नहीं? वन बाय के वन के टू बचेगा कि नहीं? देखो आप सिंपली ऊपर में, ऊपर में, नीचे की नहीं बात कर रही मैं, ऊपर की बात कर रही। नीचे आपका जो भी आएगा डी अपॉन एरिया कॉमन लोगे, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू आएगा, यही आएगा ना बच्चा? देखो रितिका, आपने पूछा था, किसने? रितिका ने पूछा था, किसने पूछा था? Who asked this? डाउट किसका आया था? अच्छा डाउट था, मैम कनिष्का। ओके कनिष्का आपने पूछा था। तो यस कनिष्का, एक्चुअली ना ये वन बाय के वन है,
यहाँ पे मैंने गलती करा है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था K1 K2 जो है ये 1/K1 K2 है। अभी आपको समझ में आया ये 1/K1 K2 है, यस मैम, तब ये करेक्ट होगा ना। दिस इज 1/K1, मैंने 1/K1 छोड़ दिया था, देन यू आर गेटिंग द आंसर एज डी। ठीक है, ओके ओके। अच्छा एक काम करो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अभी मैं आपको K1 और K2 का वैल्यू बता रही हूँ। लेट्स से योर K1 इज 5K, ठीक है, K1 कितना है 5K और K2 है 3K, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना आएगा बचलो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना आएगा अगर K1 को 5 के लिया है और K2 को 3 के लिया है तो कितना आएगा बताओ। यस रिजल्ट क्या है, K1 प्लस K2 बाय A करो, K1 प्लस K2 बाय A, दिस इज योर रिजल्ट। यू नो जस्ट जस्ट डिवाइड दीज टू नंबर, आपको अब रिजल्ट पता है, यू कैन यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली, राइट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस वाले केस में, अगर लेंथ और एरिया सेम है तो कितना आएगा 5K प्लस 3K बाय 2, मैम 4 आएगा, 4K आएगा, है ना, दोनों का आपको मीन लेना है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू दे तो आप डायरेक्टली सॉल्व करके 2 सेकंड में आंसर लिख सकते, कर सकते हो ना। यस मैम, ओके, आई थिंक बहुत स्लो जा रहे हैं, 15 ही मिनट बचे हमें नेक्स्ट, ओके, कंडक्टिविटी कंडक्शन भी खत्म नहीं हो पाया मेरा तो। चलो देखो एक और प्रॉब्लम है, जल्दी से करते हैं इसको, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो मटेरियल है, दिख रहा है आपको, उनका अलग एक की कंडक्टिविटी 3K है, दूसरे की कंडक्टिविटी K है, और बाहर का टेम्परेचर जो है एक एंड का टेम्परेचर θ2 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर θ1 है, और स्लैब का लेंथ भी अलग है, एक स्लैब का लेंथ d है, दूसरे स्लैब का लेंथ 3d है। तो आपको बताना है कि इंटरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ठीक है, आपको इंटरफेस का टेम्परेचर डिटरमाइन करना है। तो आप बोल सकते हो इंटरफेस में जितना हीट फ्लो कर रहा होगा, जितना हीट अंदर आ रहा होगा उतना हीट बाहर जा रहा होगा कि नहीं, इंटरफेस पे बीच वाले पॉइंट पे जितना हीट फ्लो हो रहा होगा अंदर जा रहा होगा उतना ही फ्लो वहां से लीक कर रहा होगा कि नहीं, यस और नो बता लो। यस मैम, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हीट फ्लो से H1 लिख सकते हो आप, उसमें कितना हीट अंदर जा रहा है, फिर H2 लिख सकते हो आप कितना हीट उसको लीव कर रहा है, तो रॉड 1 से हीट आ रहा है, H1 का फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, θ2 - θ इनटू लेंथ है इसका d, मैंने H1 सही लिखा क्या, थर्मल कंडक्टिविटी 3K, एरिया a, टेम्परेचर डिफरेंस मैंने थीटा बीच का टेम्परेचर माना है θ2 - θ अपॉन लेंथ, उसी तरह उससे कितना हीट निकल रहा होगा विद टाइम वो निकाल सकते हैं हम दूसरे वाले रॉड से, तो दूसरे वाले रॉड का बताओ थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया है, k एरिया a, k एरिया a थीटा है ना, θ1 कितना होगा, H1 मैंने ऐसे ले लिया है 1 2 ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा θ - θ1 डिवाइडेड बाय इसका लेंथ कितना है 3d, लेंथ 3d दिया हुआ है ना, है ना। तो अब इन दोनों अब बोल सकते हो जितना हीट फ्लो इक्वल होगा, हीट फ्लो तो सेम होगा ना, हीट फ्लो इक्वल होगा, तो कैन यू इक्वेट दीज टू नंबर्स, इफ यू इक्वेट दीज टू 3ka θ2 - θ अपॉन d इक्वल्स टू के a θ - θ1 अपॉन 3d, सो यू कैन कैंसिल dd, यू कैन कैंसिल एरिया एंड कंडक्टिविटी। यस मैम, ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा मैं बता दूंगी, डोंट वरी, 3 नीचे बचेगा ऊपर 3 है, ये दोनों 3 मल्टीप्लाई होके 9 हो गए क्या, यस मैम, व्हाट इज रिमेनिंग 9, θ2 - θ इक्वल्स टू θ - θ1, बाकी कुछ तो बचा ही नहीं है, ये 3 को इस 3 से मैंने
बता बच्चा मैंने बोला है आपके पास दो रॉड दिया हुआ, ठीक है, दो रॉड दिया हुआ है, एक रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी 3 के, दूसरे रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है। उसको ऐसे हमने ज्वाइन किया है, दे बात। एक साइड का टेम्परेचर थीटा 2 है, दूसरे साइड का टेम्परेचर थीटा है, ठीक है। थीटा 2 बड़ा है थीटा से, तो आपको पूछ रहा है बीच का टेम्परेचर कितना होगा। मैंने मान लिया थीटा, तो अब बता इस रॉड से कुछ हीट आ रहा होगा, उतना ही दूसरे रॉड को जा रहा होगा कि नहीं। हीट ट्रांसफर सेम होगा, जितना हीट फ्लो होगा, तो मैंने जितना हीट आ रहा होगा उसको इक्वेट किया जितना हीट लीव कर रहा होगा। तो हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम को एच से डिफाइन किया था हमने। फॉर्मूला क्या था एच का, याद करो, के ए डेल्टा टी बाय लेंथ। वही मैंने पहले जितना हीट आ रहा है उसको H1 लिख दिया, जितना हीट लीव कर रहा है उसको मैंने H2 लिख दिया। H1 क्या हो गया, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है 3 के, मैंने 3 के लिख दिया, इसका एरिया A है तो A लिख दिया, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, थीटा 2 माइनस थीटा, वो लिख दिया, और लेंथ दिया है D, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद H2 लिख सकते हैं हम, H2 के लिए कितना हीट उस इंटरफेस को लीव कर रहा होगा, कितना थर्मल कंडक्टिविटी है K, एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 लिख दिया, और इसका लेंथ है 3D लिख दिया मैंने, और दोनों को मैंने इक्वेट करा, क्योंकि हीट फ्लो सेम होगा, जितना हीट एंटर करेगा उतना हीट लीव करेगा, है ना, जितना हीट फ्लो करेगा हीट फ्लो इक्वल होगा। अब वहां से आप KD कैंसिल करोगे तो आपको ये मिल रहा है क्या, देखो 9 थीटा 2 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 1। किसी को डाउट है यहां तक अभी? नो मैम, चलो, नो मैम, तो आप देखो यहाँ पे लिख रहा है 9 थीटा 2 माइनस थीटा, इसको एक्सपैंड ही कर देते हैं ना, ऐसा आ जाएगा कि देखो 9 थीटा 2 माइनस 9 थीटा आएगा क्या, उधर जो था देखो यस यहाँ, मैम, और यस यहाँ मैम, पे, यहाँ पे आपको थीटा 1 माइनस थीटा 1 आएगा। आपको निकालना क्या है बच्चा, यहाँ पे फाइंड थीटा ओनली, राइट, आपको थीटा कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द इंटरफेस, आपको थीटा कैलकुलेट करनी, मतलब आपको थीटा को एक साइड लेके जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा 9 थीटा 2 थीटा 1 को इधर लेके आओ, प्लस थीटा 1 इक्वल्स टू 10 थीटा, तो थीटा आ गया यहाँ से, देखो 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाय 10, दिस इज योर आंसर, है ना, यस ओके। मैम। मैम 10 कहाँ से आया? मैम ये 10 था ना बच्चा, देखो 9 यहाँ पर है और ये थीटा 1 इधर है, दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा ना, ये नेगेटिव उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए 10 आ यस गया, मैम, तो 10 आ गया ना, मुझे थीटा चाहिए तो इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो यस मैम, एक दो इजी प्रॉब्लम मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, ठीक मैम डीपी भी भेज देना इसका क्वेश्चन। है बच्चा, भेज दूंगी। ये प्रॉब्लम ही नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम एनीवे। हमने अभी हम करेंगे थोड़ा थर्मल कन्वेक्शन, ठीक है, थर्मल कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज वेरी इजी टॉपिक, ये कहाँ होता है, ये ओनली फ्लूइड में होता है, कहाँ होता है, लिक्विड में लिक्विड ये फ्लूइड में ही होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड ऑल्सो, ठीक है, फ्लूइड मतलब लिक्विड ऑल्सो, लिक्विड एंड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। चलो तो अभी आप इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें एक्चुअली में मैटर मूव करता है, मैटर ट्रांसफर होता है, मैटर मूव करता है, जैसे कि आप एग्जांपल देखो, यस वेरी गुड विवेक, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, जैसे कि आप देखो लैंड ब्रिज सी ब्रिज, आप लोग को पता है ये आपके पास केटल है जिसमें आपने पानी रखा है और हीट कर रहे हो नीचे से, आपका बताओ जो वाटर सबसे बॉटम में है वो जल्दी गर्म होगा, सबसे पहले हीटअप होगा कि नहीं, यस मैम, यस मैम, यस मैम, वो हीट हो जाता है, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट हॉटर होता है वो कैसा होता है, लाइटर हो जाता है कि नहीं, यस मैम, यस, वो लाइटर होता है तो वो ऊपर मूव करता है, देखो रेड कलर से आपका हॉट वाटर ऊपर मूव कर रहा है, वार्म मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव कर रहा है क्या, देखो, यस मैम, एंड यू हियर यू हैव अ नाउ व्हाट, ब्लैंक स्पेस, जिसको कोल्डर मॉलिक्यूल आकर कवर करेगा, पीछे आ जाता है। फिल करेगा, एंड जो कोल्डर मॉलिक्यूल नीचे आएगा वो भी अब गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर और कोल्डर मॉलिक्यूल नीचे आएगा, ये प्रोसेस चलेगा, यही तो है कन्वेक्शन, ठीक
दिस इज ओनली कन्वेक्शन बच्चा, गॉट इट मैम? साइकिल? यस मैम, दिस इज अ काइंड ऑफ, यस। और ये आपका एयर के साथ भी होता है, जो बेसिक आपका एयर, अपना अर्थ है। अर्थ समर में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है अपना अर्थ सरफेस, उसके कॉन्टेक्ट में जो अर्थ के कॉन्टेक्ट में जो एयर होगा वो भी गर्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। और वार्म एयर क्या होता है, लाइट हो जाता है, जो एयर है वो लाइटर हो जाएगा, लाइट हो जाएगा तो ये ऊपर भागेगा, तो यहाँ पे आपके पास फिर से क्या बच जाएगा, ब्लैंक स्पेस। आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस आएगा कि नहीं? अगर वो ब्लैंक स्पेस आएगा तो चारों तरफ से जो कोल्डर एयर है, इधर सराउंडिंग से जो कोल्डर एयर है वो इसको कवर अप करने के लिए, इसको इसका प्लेस लेने के लिए आएगी कि नहीं, है ना? समर में देखते हो कभी कभी बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा आता है। यस मैम, यस। सो द रीजन इज दिस, एंड ऑल्सो यू हैव सीन कि समर में कहीं पे आप ऐसे सर्कल बनता है और ऐसे से एयर ऊपर उठती है, देखा आपने मूवी वगैरह में, देखा होगा रियल लाइफ में भी अगर हो सके तो देखा होगा। समर में जब बहुत ज्यादा हॉट समर होता है तो एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे से एक सर्कल जैसा बनता है, सिलेंडर जैसा बन के वो ऊपर उठता है यार, देखा है आपने ये? उसको हुरिकेन्स वगैरह क्या तो बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ऐसा होता है क्योंकि चारों तरफ से कोल्डर एयर लेती है और ये वार्म अप एयर, यहाँ पूरा खाली स्थान होता है और चारों तरफ से एयर आके इसको सर्कल बना के घूमती है, टोर्नेडो बोलते हैं। वेरी गुड, क्या नाम रखते बच्चे आप लोग, बवंडर भी बोलते हैं, राइट? ठीक है, ओके। तो ये होता है, ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। कैन यू सी द एयर मॉलिक्यूल्स ओनली यहाँ मूव करता है, और आप अभी जस्ट आई थिंक विवेक ने बताया कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। आप लोग को पता है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आप लोग को पता है ये सिलेबस में भी उतना ज्यादा नहीं है, है ही नहीं एक्चुअली में। एक चीज और होता है, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या होता है? फोर्स्ड कन्वेक्शन, जो हमारा, आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट, उसमें ब्लड फ्लो करता है, यही होता है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और हमारा हार्ट इज लाइक अ पंप, जो हार्ट है वो पंप की तरह काम करता है एयर को। ये एक तरह से फोर्सफुली कन्वेक्शन हम करवा रहे हैं, तो दिस इज अ फोर्स्ड कन्वेक्शन। बाकी जो अभी हो रहा था, पानी का उठना गिरना, एयर का उठना गिरना, ऊपर जाना उस कोल्डर एयर को, उसको कवर करना, ये एग्जांपल है आपका किसका, नेचुरल कन्वेक्शन का, ठीक है? और फोर्स्ड कन्वेक्शन में अपना सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जांपल है फोर्स्ड कन्वेक्शन का, ठीक है बच्चा लोग? यस मैम। तो मैम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल, क्योंकि वो नेचुरली हो जाता है, मतलब उसमें हमें ज्यादा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम नहीं लगाते, आप अगर मैम ऐसे एग्जांपल हो सकता है, हम नहीं लगाते, हमारा हर्ट लगाता है, और आवर सिस्टम इज डिजाइन सो वे कि हर्ट ये काम करता है, हम नहीं करते, बट दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स्ड वन, ठीक है? यहाँ पे देखो थर्मल में क्या होता है, अपने आप एयर गर्म होकर ऊपर उठती है, राइट? यस मैम। बट अपना आपका आपका हार्ट पंप करता है, जिसकी वजह से सर्कल, जिसका वजह से आपका ब्लड फ्लो करता है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। ओके मैम, ओके ओके ओके। चलो, तो कन्वेक्शन में बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है, खत्म खत्म, कन्वेक्शन खत्म हो गया। अभी है आपका रेडिएशन, ठीक है? रेडिएशन में क्या होता है, टाइम तो नहीं बचा हमारे पास, बट आप बता सकते हो क्या रेडिएशन या मीडियम रेडिएट होती है? डू वी नीड एनी मीडियम? नो मैम, नो मैम, नो मीडियम, माइक्रोवेव रिक्वायर्ड, राइट? माइक्रोवेव, ओके। अगर मीडियम नहीं चाहिए होता है, मैटर मूव नहीं करता है, तो क्या होता है एग्जैक्टली? ठीक है, तो आप सोचो सन के बारे में, सन अपना सनलाइट देता है अपने अर्थ को, कितने टाइम में पहुंचता है? मैम 8 मिनट के करीब लगता है ना, कुछ 8 साढ़े 8 मिनट। यस 8 मिनट, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो उतना टाइम लगता है, और तो अर्थ और अपने सन के बीच में कुछ देर तक अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर है। व्हाट अबाउट अदर प्लेसेस, वैक्यूम है क्या? मतलब मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम हमें
नहीं चाहिए होता, राइट? तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? रेडिएशन 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 ठीक है, तो अभी आपने देखा कंडक्शन में हमको सॉलिड में चाहिए, कन्वेक्शन को फ्लूइड चाहिए, और रेडिएशन को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अब तो हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन करेंगे, ब्लैक बॉडी करेंगे, उसके बाद हम लोग मैम सारी स्लाइड दिखा दीजिए शुरू से। ये था आपका इंट्रोडक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन का थोड़ा सा हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूलर कोलिजन से आपका होता है, उसके बाद हमने पढ़ा थर्मल कंडक्शन का फॉर्मूला, ठीक है? उसके बाद हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था, थर्मल कंडक्टिविटी का, एच का, क्यू का फॉर्मूला देखा हमने, फिर हमने उसको कंपेयर किया करंट से, ठीक है? और उसको लेंथ करके देखा, सीरीज में ऐसा होता है, पैरेलल में ऐसा होता है, आर का फॉर्मूला एल अपॉन के होता है, क्या बच्चा? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अपलोड कर दिया है मैंने, आई डोंट नो आपको क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, मैं बात करती हूँ क्यों नहीं आ रही है ये चीजें, ठीक है? उसके बाद आपका मैंने प्रॉब्लम करी, हमने से एक और प्रॉब्लम किया, कन्वेक्शन किया, और फिर रेडिएशन में कुछ किया ही नहीं अभी तो, ठीक है? कोई डाउट है किसी को अभी तक? मैम ये चैप्टर एक बार रिवाइज करा दो अभी, अभी चाहिए रिवीजन, चैप्टर रिवाइज करना है, टॉपिक रिवाइज करना है स्टार्टिंग से, क्योंकि मैम हमने क्लास में नहीं थी ना, नेटवर्क इशू की वजह से। चैप्टर छूट गया आपका पूरा बच्चा? यस मैम। ओह गॉड, ये तो पॉसिबल नहीं है अभी चैप्टर, बिकॉज़ आई हैव अनदर क्लास राइट नाउ, बट अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो मैं आई कैन डिस्कस एंड कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा के चलेगा आपको? यस मैम। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी बात करके, अगर इस वीक में हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में विल ट्राई, ठीक है? ओके मैम, चलो, थैंक यू। मैम 51 ग्रुप में हो? थैंक यू मैम। मैं हूँ 51 ग्रुप में। मैम तो इसके मतलब जो आप जो पीपीटी होती है हमारे पास नहीं आती? मैं देखती हूँ बच्चा, नहीं हूँ तो एडमिन करके मैं करती हूँ यार, पीपीटी नहीं आती है। मैम इससे रिलेटेड नीट के क्वेश्चन से? हाँ।